मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोफॉस शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का चार्ट रीडिंग करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस 3 आवर के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड, हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 24 रुपये 85 पैसे का, इसका सेकेंड टारगेट होगा 25 रुपये 50 पैसे का और इसका थर्ड टारगेट होगा 26 रुपये 15 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 23 रुपये 60 पैसे का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 22 रुपये 5 पैसे का और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 20 रुपये 50 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 26 रुपये 55 पैसे का, इसका सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 29 रुपये 85 पैसे का और इसका थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 33 रुपये 50 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 21 रुपये 90 पैसा का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 19 रुपये 25 पैसा का, इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 17 रुपये 5 पैसा का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 27 रुपये 80 पैसे का, सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 35 रुपये 40 पैसे का और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 46 रुपये 75 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 22 रुपये 90 पैसे का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 16 रुपये 45 पैसे का और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 11 रुपये 55 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, तो वीकली और मंथली कैंडल का टारगेट और स्टॉप लॉस सेम है फ्रेंड। तो हम लोग डायरेक्ट टेक्निकल इंडिकेटर सेट करेंगे। मैं MACD और RSI को सेट करूंगा, आप लोग किसी को भी ले सकते हैं जो आपको समझ आता हो। और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये मैं जो है बाय और सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं बस एनालाइज़ करता हूँ। आप लोग अपने ज़िम्मेदारी पर ट्रेड लें। मंथली कैंडल पे देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से रेगुलरली ऊपर चल रहा है। 7 मंथ पहले इसने क्रॉस ओवर बनाया था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं RSI 51 पे है। ठीक है फ्रेंड, अब वीकली कैंडल पे बात करें तो वीकली कैंडल पे अभी तक बेयरिश पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से क्रॉस ओवर बनाने की तैयारी में है, RSI 60 पे है। और डे कैंडल की बात करें तो डे कैंडल पे 49 पे है RSI और MACD अभी तक नीचे की ओर ही है, ऊपर अभी क्रॉसओवर नहीं बना है, जब बनेगा तब का वेट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो इसका एक मंथ के रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव में इसका रिटर्न है, 13.5% का नेगेटिव रिटर्न है और एक साल की बात करें तो 74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 52-week हाई की बात करें 34.30 रुपये है, 52-week लो की बात करें 10.45 रुपये है, मार्केट कैप की बात करें 48 करोड़ है, शेयर होल्डर्स की बात करें 15.8K इसका शेयर होल्डर्स है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ की। तो एक मंथ पुराना न्यूज़ है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दिन भर के ट्रेडिंग्स की। तो प्रीवियस क्लोजिंग इसका था 24.90 रुपये पे और ओपनिंग हुआ 24.95 रुपये पे, 85 पैसा का गैप अप ओपनिंग हाई लगाया है, 25 रुपये का लो बनाया 24.20 रुपये का, मार्केट क्लोज किया है जिसने 24.30 रुपये पे और 0.83% का पॉजिटिव रिटर्न के साथ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।